इतना तेजी से बारिश आ रहा है, थोड़ी देर में शायद फ्लड भी हो जाएगा सड़क पे। मेरे साथ है ड्राइवर भाई, वो भी नॉर्थ ईस्ट का ही है, आसाम का। बहुत अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट का भाई मिलके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नया दिन का शुरुआत हो चुका है और अभी मैं हूँ अपना मोनोका ट्रेन स्टेशन पे। आज मैं जा रहा हूँ बेंगलोर पे, अभी जाएंगे अगरतला तक ट्रेन से, तो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग का जो मोनो स्टेशन से अगरतला तक जाने के लिए 25 रुपया है पर हेड। तो मेरे साथ मेरे भाई भी है, गाँव का भाई। तो हम दोनों अभी जा रहे हैं अगरतला तक। अगरतला से हम दोनों को अलग होना होगा और मेरा फ्लाइट का टाइम है शाम को 4:05 को। तो बाइक के रेन हाउस पे जाके रुकेंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से निकलना होगा मुझे एयरपोर्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी जा रहा हूँ मैं। लकीली कुर्सी भी मिल गया बैठने के लिए, तो अगरतला पहुँचने के बाद। ओ तेरी, इतना सारा केला कहाँ लेके जा रहा है यार। फाइनली अपने कैपिटल स्टेशन पे आके पहुंच गया, तो थोड़ी देर में उतरने वाला हूँ मैं। अगरतला तक तो आके पहुंच गया, अभी बाइक के रेन हाउस पे जा रहा हूँ। जाने से पहले होटल पे घुस के थोड़ा खाना होगा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए, ये हो गया अगरतला का, हम लोग का त्रिपुरा का कैपिटल का स्टेशन। ये देखिए, अभी आया हो एक अंदर वाला होटल पे, लोकल होटल। ये देखिए जहाँ पे हम लोग अभी खाना खाएंगे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो खाना वाना खा लेते। चलिए, हम दोनों अभी भाई के साथ खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और सब्जी देखो। होटल पे खाना वाना खा के अभी जा रहा हूँ भाई के रेन हाउस पे। तो पहुँचने दो दोस्तों, पहुँचने के बाद मिलेंगे। अभी मैं एयरपोर्ट की तरफ निकालने वाला हूँ, 2 आवर्स से पहले जाके रिपोर्टिंग करना है। और ये हो गया मेरा बाइक का रेन हाउस, ये देखो कुछ इस प्रकार है। वो यहाँ पे अकेला रहते, तो चलिए दोस्तों एयरपोर्ट जाके पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ मिलेंगे। तो मैं फाइनली अभी निकल पड़ा हूँ एयरपोर्ट के और जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूं मैं, आप लोग रास्ते का और व्यू का मजा लो। एयरपोर्ट का एरिया के अंदर आके घुस चुका हूं, थोड़ी देर में मैं उतरने वाला हूं ऑटो से। आके पहुंच गया। चलिए मैं एंट्री हो जाता हूँ एयरपोर्ट के अंदर, सब कुछ चेकिंग वेकिंग हो जाने के बाद आप लोग के साथ मिलेंगे। फाइनली दोस्तों, एक तो बोर्डिंग पास हो चुका है, अभी और एक बाकी है फ्लाइट के अंदर घुसने के लिए, तो चलिए वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। फाइनल चेकिंग के लिए अभी लाइन पे सब लोग खड़ा है, अभी जा रहा हूँ धीरे धीरे सब लोग। सूर्योदय का रोशनी भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। फाइनली कुर्सी पर भी बैठ चुका है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में उड़ान भरने वाला है अगरतला से बेंगलोर के। और चलिए आसमान का नजारा आपको तो दिखाएंगे दोस्तों, और बेंगलोर पहुंचने तो फाइनली उड़ान के लिए तैयार हो रहा है, और अपने त्रिपुरा मैन को बाय बाय बोलने के लिए टाइम आ चुका है। बाय बाय त्रिपुरा, फिर से मिलेंगे वक्त आने पे। तब तक के लिए सभी त्रिपुरावासी को गुड नाइट एंड टेक केयर। हमारे त्रिपुरा का न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम।
नहीं सुन रहा होगा, फाइनली एयरपोर्ट के अंदर घुस चुका है और लैंडिंग भी हो चुका है दोस्तों। तो फाइनली बेंगलोर, रात का हो गया 7:30 और बेंगलोर एयरपोर्ट पे आके पहुंच गया हो। आप लोग देख सकते हो एयरपोर्ट का नजारा, ये देखो कितना बड़ा है। पीछे फ्लाइट आया था, आप लोग पीछे देख सकते हो, और मेरा पीछे उस तरफ बहुत सारा फ्लाइट है। तो चलते हैं, अभी बस पे चढ़ना होगा, अभी इसी बस से जाने वाला है। एक बस तो चला गया, फुल हो गया पैसेंजर। ये देखिए यहाँ पे, चलिए रोज जाता हूँ मैं भी। अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट का बस से एयरपोर्ट का गेट तक, उसके बाद लेगेज पॉइंट तक जाना होगा 3 पे। ये हो गया 3 लेगेज पॉइंट, लेगेज का इंतजार कर रहा हूँ। अभी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा गाड़ी जो आया था बहुत पहले आया था, इसलिए फिर से चला गया, अभी वो रास्ते पे है, आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से नया ब्लॉग्स वगैरह आएंगे, तब तक के लिए आप लोग भी इंतजार करना। मैं यहाँ ही मेरा ब्लॉग वीडियो को एंडिंग करता हूँ। अभी तो बस शुरुआत है, अभी नया नया प्लेसेस, नया नया जगह, नया नया चीज आप लोग को दिखाएंगे बेंगलोर पे। आप लोग जरूर बने रहना, सपोर्ट करते रहना। चलिए सभी को मेरे तरफ से गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। इतना तेजी से बारिश आ रहा है, सोचा नहीं था बेंगलोर आके पहुँचने के बाद ऐसा देखने को मिलेगा करके। एयरपोर्ट आके पहुँचते ही बारिश आना शुरू हो गया, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पे बारिश खत्म हो गया और यहाँ पे बारिश अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इतना तेजी से बारिश आ रहा है, थोड़ी देर में शायद फ्लड भी हो जाएगा सड़क पे। ये देखिए, और मेरे साथ है ड्राइवर भाई, वो भी नॉर्थ ईस्ट का ही है, आसाम का। बहुत अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट का भाई मिलके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे।